ये अन्नपूर्णा माता मंदिर है, यहाँ रणथंभौर दुर्ग के अंदर। यहाँ ये स्तंभ देखिए, स्तंभों पर ठीक वैसी घंटियाँ बनी हुई हैं जैसे कुतुब मीनार और उसके पास स्थित 27 नक्षत्रालयों पर बने हुए हैं। और इसकी छत, नवीन जी छत का मुझे समझ में नहीं आया। हर हर महादेव। तो बताओ इसके विषय में, कैसे रोका इनको? जैसे ये है हाँ साइड में, इसका कुछ नहीं लग रहा। हाँ ये ऊपर जो बीम है उसके अंदर होल बना के और बिल्कुल। इसके अंदर लोक बना के, अरे वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये पत्थर कैसे रोके गए हैं? ये पत्थर भी कुछ उसी तरह है। नहीं वो तो दिख रहा है, वो उन पे रुका हुआ है स्तंभों पर, बिल्कुल। उससे वो लटका हुआ है। ये कहाँ पर रुके हुए हैं? ये एक दूसरे की सपोर्ट लेकर, नहीं ये तो लटक जाएंगे एक दूसरे की सपोर्ट लेकर होंगे यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरी समझ से बाहर है कि ये छत तो रुकी हुई कैसे है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि यही तो कारण है। ये लेवल है। मैं लग रहा है और नवीन जी को भी ऐसे लग रहा है कि ऊपर साबुत स्लैब है और स्लैब से नीचे इनको उसमें फंसा के लॉक करके और तब लटकाया गया है। अब यहाँ नीचे आ गए हम घाटी में, और यहाँ पर ये एक बड़ा सा द्वार है पॉइंटेड आर्च में। ऊपर देखिए कितना ह्यूज, कितना विशाल का ये द्वार है ये नवीन जी। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर चेहरा करके देखो, इतनी ठंडक मिलेगी। ये कुछ है यहाँ पर गुफा टाइप, मतलब अंडरग्राउंड। इसकी आवाज, इसकी छत देखिए कुछ अलग। हाँ जी जितने ये भी हमें दूसरी तरफ पूर्व साइड में दिशा में इसकी जो जो छत है ये भी वही पॉइंटेड आर्च एक तरह से, या फिर पॉइंटेड डोम बना रखा है। और कितना भारी भरकम ये गेट है इसका, ये कपाट, इसके ये दोनों कपाट लकड़ी के बने हैं। अच्छा इस तरफ ये आउटर साइड है। ये कितना विशाल है नवीन जी, ये तो सबसे बड़ा गेट लग रहा है मुझे। कई लकड़ियों के पीस आपस में जोड़ के बनाए गए हैं और बाहर लोहे की चादर चढ़ाई गई है। और ये कितना विशाल है, आप देख पा रहे हो नवीन जी? ये ह्यूज है, जिगेंटिक है। और देखिए कितने सुंदर वो फूल लग रहे हैं वहाँ पर, संग मरमर, यानी कि मरमर के पत्थर से बनाए गए। अरबी भाषा में संग का अर्थ होता है पत्थर, और ए मतलब का, ओफ, ओफ के लिए ए यूज किया जाता है। संग ए मरमर, अर्थात मरमर का पत्थर इसको बोला गया है, मार्बल स्टोन को। वो ऊपर जाने का रास्ता होगा वहां से। हाँ। और जो जीना है वो ये एक और द्वार, और ये देखिए ये बाले लगाए गए हैं इसमें भी हाथी से रक्षा के लिए। हाँ चूल भी लोहे की है नीचे या ऊपर? लोहे की कवरिंग की हुई है उसको। कितना भारी है ये, इसका, इसकी श्रृंखला, संकल जिसे बोलते हैं।
क्या मैं इसको बंद कर सकता हूँ? रहने दो नवीन जी, कर सकते हैं। हाँ अरे रहने दो नवीन जी, रहने दो रहने दो, वो पत्थर ना नीचे आ जाए। आओ आइए, वो महादेव का मंदिर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी आइए, आप आइए तो सही भाई। और ये स्तंभ देखे कितना विशाल है। ये यहाँ इस तरफ जो द्वार है नवीन जी, बहुत ही हैवी हैवी द्वार है, ये बहुत बड़े बड़े विशाल का है जी। हाँ यही तो है जो मंदिर तक जाता है, इधर से ही ये आएगा आपका शिव मंदिर। थोड़ा और नीचे जाके ये जल का स्रोत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जल आता रहता है अपने आप ही। देखिए पहाड़ी में से ये कहाँ से आ रहा है अब ये पता नहीं। और यहाँ ऊपर जाके वो मंदिर है, थोड़ा दुर्गम है नवीन जी, ये देखिए ये बरसात के समय यहाँ पर अपने आप जल इसमें से गिरता रहता है। अभी ये नहीं गिर रहा है क्योंकि अभी बरसात नहीं आई है, जल की कमी है अभी यहाँ पर, अन्यथा यहाँ उस नंदी के मुख से जल सीधा शिवलिंग पे पतित होता रहता है नेचुरली प्राकृतिक रूप से। पिछले वर्ष में आया था यहाँ पर तब ऐसा हो रहा था। हर हर महादेव। महादेव के मंदिर से उतर के हम आ गए हैं यहाँ पर। ये जो सेक्शन है यहाँ रणथंभौर फोर्ट का, पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था कोरोना से पहले, तब यहाँ पर काम चल रहा था इसका रिपेयरिंग का, और ये कार्य संपन्न हो चुका है वर्ष 2020 में। ये बना फिर से, इसका पुनरुद्धार हुआ, और देखिए ये लाइम मोर्टार में इसको रिपेयर किया गया है। काफ़ी मजबूत है, सीमेंट तो इसके आगे कुछ भी नहीं है जो मजबूत इसमें है। यहाँ पर देखिए ये एक सिंगल गर्डर डाला गया है लोहे का, और उसके ऊपर ये स्लैब्स डाली गई हैं पत्थर की। यहाँ पर ये कुछ ये एक छोटा सा कक्ष है यहाँ पर, यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो नवीन। इसको ऐसा कैसा सहारा दे दिया गया रेलवे ट्रैक से। और देखिए यहाँ भी तीन द्वार हैं, और यहाँ भी तीन द्वार थे जी, साइड के दो हाँ इनको बंद कर दिया गया है। सुंदर ये बनाया गया, जो दोबारा बना है ये भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये ऊपर का तल है, ऊपर जाने का नवीन जी कहीं मार्ग देख पा रहे हो? जी जी हाँ, ये ऊपर जाने का मार्ग यहाँ पर लगता है, ये यहीं पर है। ये देखिए थोड़ा रफ काम यहाँ पर किया गया है लाइम मोर्टार से। एक अक्ष यहाँ बनाया गया है, नया ही बनाया है। ऊपर देखिए कितने भारी भरकम स्लैब डाली गई है। जो संसाधन उपलब्ध हो जिस रीजन में वही प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर बजरी उपलब्ध है, पत्थर उपलब्ध है, और लाइम उपलब्ध है, तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इसके रिनोवेशन में, पुनरुद्धार में। ये भी स्लैब है देखिए, तो ये कार्य पिछले वर्ष हुआ।
ये तो छत पुरानी लग रही है नवीन जी, ये छत पुरानी। इस पर भी सीमेंट का घोल डाला गया है। हाँ ऐसा ही लग रहा है। चलिए और ये यहाँ पर बड़ा सुंदर है, ये भी छोटे छोटे तीन द्वार यहाँ पर है, बालकनी है। एक मिनट नवीन जी जी, अब बताइए। ये पत्थर टूट चुका है, यहाँ पर द्वार होता था। हाँ इसके स्थान है, दरवाजे है। और खंडर है, और ये देखिए तीन द्वार हैं पॉइंटेड आर्च में। ये रही होगी और ये बंद है, ब्लॉक हो चुकी है। ये तो ऐसा है जैसे भूतों का महल होता है, जाले फिर अंदर घुसते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाना हमें बहुत प्रिय है नवीन जी, जैसा कि हम उस गुफा में गए आज। इसके ऊपर चढ़ सकते हैं वहां से मार्बल। ये जाली देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लकड़ी की छत हुआ करती थी यहाँ पर, छोटा सा ये कक्ष था। बिल्कुल, क्योंकि ये किले की दीवार के समीप है तो अवश्य ही ये सैनिकों का कक्ष रहा होगा। क्या था ये? एक ऐसा ही भवन उधर भी है। क्या था ये? अगर आप भी ऐसे पंगे मोल लेते हैं हाँ, तो पूरे वस्त्र पहनिए, पूरी बाजू। हाँ वहाँ से भी उसके ऊपर जाने का रास्ता है, देखिए वो पैड़ी। हाँ लेकिन उससे नीचे उसके ऊपर भी तो कहीं कुछ से चलना पड़ेगा, वही तो छोटी हुई है। अब प्रवेश करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और ये बताएंगे हमें कलाकृति के बारे में नवीन जी। ये किस तरह का चित्र है, ये हाथ में क्या धारण किए हुए हैं? ये दंड है हाथ में, मुझे तो दंड लग रहा है। और ये शायद माला है जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है। बालक है। और ये और इस तरफ भी ऐसा ही है। और इसके ऊपर तो देखो आप, आर्च के ऊपर है क्या ये? ये तो बिल्कुल वही पुष्प है, वही है ना? बिल्कुल। तो चलिए जय श्री राम जी। ये सामने वही तीन द्वार जैसा कि हर प्राचीन इमारत में मिलते हैं तीन द्वार, तो इसके ब्रह्म स्थान में 12 द्वार हैं। उसके बाद ये गर्भगृह है, यहाँ हर रूफ का लगभग एक सा ही पैटर्न है, स्लैब डाल के रूफ बनाई गई है, दीवारें लगभग एक जैसी हैं।
यहाँ पर शिवलिंग है, कुछ नंदी भी है। देखिए उस स्लैब को, इस बल्ली के सारे रोका गया है। टूट चुकी है। बड़ा ही सुंदर भवन है ये, लक्ष्मी नारायण मंदिर रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ये भाई दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों इमारतें मतलब, पर ये पुरानी है उससे अधिक। यहाँ से खंडित दर्शन होते थे जैसे उसमें है ना। हाँ शिवलिंग की सेम वही है, ये भी पैटर्न है। और ये स्तंभ देखो, ये बेस है उनके। हाँ इनके ऊपर पिलर है। हाँ वो वाले पिलर, पिलर ये ही पिलर था, ये तो टूटा हुआ है यहाँ से, ये ही पिलर था पूरा। ये पिलर नहीं है, ये नहीं है, बेस बेस है ये। ये बेस है क्योंकि सारे परफेक्टली नहीं टूट सकते एक तरह से। ये देखो हाँ है बेस, ये है पिलर। ये लोक लोक या वैसे टूट गया होगा। और ये देखो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसका ये चूने में लॉक लगा। हाँ ऊपर बिल्कुल देखिए जमाया गया था। और ये बहुत ही मजबूत मोर्टार है। और ये बीच में की फिक्स की, उसके बाद में नीचे उसमें भी की का होल किया, चूना नीचे बिछाया और ऊपर से सेकंड पार्ट। और ये सेंटर पार्ट, समय समय पर इसकी भव्यता को नष्ट किया गया। इमारत ये भी प्राचीन है। हाँ, भी प्राचीन हाँ। ये दो अलग अलग वो रहे होंगे। एक इस पर भी नीचे बेस है, दो बेस। हाँ। उसके ऊपर फिर पिलर पिलर है। यहाँ पर इसका इस भवन का की मरम्मत की गई है। यहाँ पर ये मंदिर रहा होगा ये जल के लिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई मूर्ति तो नहीं है, हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा रखी गई है। और अंदर जाकर देखते हैं, एक शिवलिंग और कुछ चित्रकारी दीवारों पर जिसके अवशेष यहाँ पर देखिए, कुछ चित्रकारी के अवशेष सामने। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चित्र रहे होंगे जिनको उखाड़ा गया है। किसके द्वारा उखाड़ा जा सकता है ये आप भली भांति जानते हो,
तो ये देखिए, सोने पर चित्रकारी, और इसका निर्माण शैली है गुंबद में होकर फ्लैट छत इस पे डाली गई है, और जो इसके दरवाजे हैं वो देखिए, वही चोल नीचे टिके हुए, और ऊपर साइड में देखते हैं मंदिर की जो निर्माण शैली है सेम उसी तरह। और यहाँ पर कुछ चित्रकारी, ये देखिए, चित्रकारी के काफी अवशेष अब तक बचे हुए हैं। ये हिंदू जो सभ्यता है, धर्म है, उसके कुछ अवशेष यहाँ पर प्रतीत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी ये शायद श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के अवशेष, चित्रकारी के अवशेष जान पड़ते हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर चित्रकारी, अभी भी उसके अवशेषों को देखते हुए हम ऐसा अंदाजा, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी रही होगी। ये देखिए इस तरफ, और यहाँ पर भी ये देखिए जो भारतीय निर्माण शैली है, तो दे तोड़वा और के मना। वो चींटियां सी कौन आ रही हैं नीचे से? रणथंभौर नेशनल पार्क, और यहाँ पर हमें एक दिखाई दिया है बारह सिंगा, और जो कि वहाँ पर सामने पत्तों की ओट में, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये भागा। बहुत ही सुंदर दृश्य है, फिर से पत्तों की ओट में, और बारहसिंगा फिर से अपना स्थान बदलकर एक नए स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से, और अभी थोड़ी ऊंचाई पर,